हे गाइस, वेलकम बैक टू नागिन नायक नैरेटिव्स। सुबह के बज गए 6, अभी जाना है हॉस्पिटल, जाके फाइल ओपन करके आना है, उसके बाद फिर 8:30 बजे फिर से जाना है। तो अभी जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल। हो गया भाई, फाइल खुल गया, अब जाके 8:30 बजे जाके फाइल कंफर्मेशन करके आना है। तब तक फिर एक बार थोड़ी और सो लेता हूँ यार, मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये लोग पहुँच गए, अभी अंदर शूट नहीं करूँगा, बाहर आके मिलता हूँ। गाइस, ये लो पहुँच गए अजरकाट इंडो स्टेडियम, हमारी HR भी आ गई। तो चलो अंदर चलते हैं, माई पार्टनर इज येट टू कम, अंदर का माहौल एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, ये है यहाँ का माहौल। टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस वालों का अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोगों को ज़बरदस्ती का जल्दी बुला लिया, 8:30 बजे बुला लिया, 9:30 बजे तक तो ये लोग निकलेंगे नहीं, तो तब तक ये जो भाई साहब है देखो कितना कितना सेंटी होके बैठा था। वी आर विनिंग, आई एम विनिंग। हम लोग इधर ये सफाई करने आए। चलो जो भी है, इसका मैच भी दिखाता हूँ मैं। गाइस, प्रकाश ने धोखा दे दिया। ये बेचारे प्रकाश के पार्टनर है, फुल पंपक होके आए थे, फिर प्रकाश बोला तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं खेल सकता, तो प्रकाश ने धोखा दे दिया। ए पक्का। सो गाइस, बहुत ही घमासान मैच चल रहा है, ग्लेविन प्रख्यात वर्सेस अश्विन एंड मंजू। कम ऑन मंजू। यस, ಎರಡ ಸೊನ್ನೆ, ಭರ್ಜರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ತರ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋಡಿ. ಏ ವಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಲ್ ರೆ, ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವರೇಟ್ಸ್. वी हैव इम्पोर्टेड प्लेयर्स फ्रॉम द US ऑल्सो। तो हम लोगों ने ये बोला है कि मतलब देखो, नेशनल लेवल टूर्नामेंट करने का कोई मतलब नहीं है, ओके, व्हेन वी आर ग्लोबल वी गो ऑल आउट, ठीक है? सो लेट्स गो फॉर इट। सी, दिस गाइस कम ऑल द वे जस्ट फॉर द टूर्नामेंट, ओके, जस्ट फॉर द टूर्नामेंट, यस, आई एम रिटर्निंग टुमारो। वो वापस जा रहा है, ठीक है, आज जीत के जाएगा, हार के जाएगा, देखते हैं ब्रेक के बाद। भाई लोगों, सबके आशाओं के विरुद्ध अश्विन और मंजू पहला सेट जीत चुके हैं। वेट करके देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये देखो हमारा लेट लतीफ, इसके चक्कर में मैंने 4 बार वार्म अप किया, अगर तुम मान सकते हो तो। देखते रहने दो, नो प्रॉब्लम। देखो रैकेट में इसने ग्रिप नया लगवाया है, गट्स नया लगवाया है, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या आज होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, मैच के बाद। हाँ, ये भी सही है। गाइस देखो, चावल के बोरी में लेकर आया हूँ शूज, अभी शूज वूज पहनने का वीडियो डाल दिया मैंने। शूज नया तो नहीं है, शूज वूज पहनने का दिखाने के बाद अगर नेक्स्ट सीन अगर हारने का सीन हो ना तो इतनी बेइज्जती होने वाली है मेरी। तो मैच के बाद मिलते हैं। रुकना, हार क्या था। ओके, सो वी हैव नागेंद्र प्लेइंग हियर, सो आई एम हाईजैकिंग हिज यूट्यूब चैनल। नागेंद्र, व्हेन यू आर एडिटिंग जस्ट लुक एट इट, ओके। सो नगु भाई इज हियर, हाउ वाज द फिट? हां, वेल प्लेड, श्रेयस के भरोसे। Nagendra in full form. Nagendra, oof, Nagu bhaiya. Manjana, who will win this match? Nagendra or those guys? I think Nagendra.
Nagendra rocks. Okay. Old. All Nagendra supporters. Old tiger. Old tiger. Yeah. साले क्या किया बे? अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये सब इसी के वजह से होता है हर बार, उधर प्रैक्टिस में भी इधर भी जीत गए क्या यार, कुदरत का करिश्मा है बट चलो अगले राउंड, डोंट कीप द होप्स हाई, अगले राउंड के बाद मैंने बोला है घर पे दोपहर का खाना हम लोग नहीं विटल टावर्स में खाएंगे गाइस देखो मैंने बोला था दोपहर का नाश्ता हम लोग विटल टावर्स, दोपहर का खाना विटल टावर्स में करेंगे, अम्मा आ रहा हूँ कल का चित्र न रेडी रखना। गाइस ये देखो थके हारे लोग सारे लंच टाइम का वेट कर ये तो रेडी बैठ गया, पान डालो इसको चटनी भर लो। सो गाइस अब मन नहीं करता यार, दूसरों को जीतते हुए जलन होता है मेरे को देख के, तो मैं जा रहा हूँ घर। सो गाइस यहाँ पे चल रहा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच, आर्को एंड रोहन शेट्टी वर्सेस प्रख्यात एंड 11। अरे दोनों जीत गए क्या? अच्छा अबे यार तुम लोग आपस में एक काम करो, एक फाइटिंग कंपटीशन रखो, जो जीता वो जीता। ये साले ने मैच के लिए नाम नहीं दिया है, अभी देखो ओह चलो गाइस ये ठीक है, हार के आया तो भी खाना नसीब हुआ नहीं तो मैं सोचा छी हार क्या है खाना नहीं मिलेगा पनिशमेंट है तुमको। मोबाइल मिसप्लेस हो गया, शायद मैं वहीं पे छोड़ के आया हूँ, तो अभी तुरंत वापस जाना है। लेट अस गो एंड फाइंड द फोन, ट्रेजर हंट। मिल गया भाई फोन, वो काफ़ी बार उधर रिंग हो रहा था, एक जगह पे पड़ा हुआ था, मिल गया। सो बाकी लोग बोले कि हाँ रिंग हो रहा था, हम लोग सोच रहे यहाँ पे खेलने वाले किसी और का फ़ोन है तो हम लोग पिक नहीं कर देंगे, बट एनीवेज चलो फ़ोन मिल गया। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, एक बार टेस्टिंग वेस्टिंग करके फिर वापस आके बताते हैं। गैस इतना बवाल कर दिए कसम से बता रहा हूँ, उधर पार्किंग का इतना चक्कर है, गाड़ी निकाल लिया, अब मैं ना पीछे ले जा सकता हूँ ना आगे ले जा सकता हूँ, तो मम्मी ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया। फिर बाहर कहीं पे पार्किंग मिला, मैं बोला अभी ठीक है कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद मैं बोला एक चक्कर मार के आने वाला हूँ, 5 मिनट शायद लगेगा। ये क्या यार, ये देखो कॉफी बहुत अच्छा था। देखो यार ये तो जलाने वाली बात हो गई ना। अभी कार से उतरते वक्त मम्मी के बाल से कॉकरोच निकला जिंदा कॉकरोच चपतशील है, चुभ रहा था, लोगों के बाल से जुए मिलते हैं, इनके बाल से मिला कॉकरोच। सो गाइज वी हैव रीच द कार स्ट्रीट, तो यहाँ पे लक्षद्वीपोत्सव चल रहा है एंड द एंटायर कार स्ट्रीट इज लिट विद द लैम्प्स। चलो दिखाते हैं और हम भी देखते हैं।
वाकिशा कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा हतप्रभ हो रही हूँ मैं। जोर से बोलो हतप्रभ। नहीं जोर से बोलो जय माता दी। सो गाइस पूरा प्रोसेशन मजेदार हो गया, फायरवर्क्स भी देख लिया, मजा आ गया। लाइक द ओल्ड टाइम्स जब मम्मी पापा लेकर आते थे जस्ट फॉर द फायरवर्क्स एंड रथ यात्रा देखने के लिए। सो इट वॉज रियली फन, बट ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। सो देयर इट इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नाग इन द नायक नैरेटिव्स। कल फिल्म मिलते हैं। टाटा।